कामयाब किसान की कहानी में आज हम बात करेंगे सत्यवान की, जो कि दिल्ली के रहने वाले किसान हैं और जैविक खेती को पूरी तरीके से अपना चुके हैं। जी हाँ, वो समझ चुके हैं कि रसायनों से ना सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि दूरगामी प्रभाव भी पड़ते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता भी इससे प्रभावित होती है। इसीलिए सत्यवान अब पूरी तरीके से जैविक खेती करते हैं और अधिक लाभ कमाते हैं। कैसे गन्ने की जैविक खेती कर उन्होंने कामयाबी हासिल की, आइए जानते हैं। जैविक खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कृषि की सुविधा में प्रकृति से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल कर खेती, पर्यावरण और स्वास्थ्य को शुद्ध रखा जाता है, जिससे किसान की जेब पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। इस जीरो बजट खेती को कर दिल्ली दरिया कला के किसान सत्यवान कई गुना लाभ कमा रहे हैं। साथ ही सत्यवान अंतर फसलें उगाकर न सिर्फ खेत का सही उपयोग कर रहे हैं बल्कि ऐसा करके बाकी किसानों के सामने खेती का सही उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। किसान सत्यवान मानते हैं कि गन्ना के साथ अंतर फसल लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। इससे खेत के हर हिस्से का सही इस्तेमाल होता है, साथ ही पैदावार भी अच्छी मिलती है। सत्यवान ने फिलहाल गन्ने की फसल के साथ प्याज की खेती की है। जब प्याज की फसल तैयार हो गई तो सत्यवान ने मूंग लगा दी। फसल कटाई के बाद निकले फसल अवशेषों को सत्यवान जी ने मिट्टी में ही मिला दिया, जिससे गन्ने की फसल को जैविक खाद मिल सके। इसके अलावा सत्यवान अपनी फसलों में जीवामृत, गोबर की खाद और गोमूत्र से बने कीटनाशक का ही इस्तेमाल करते हैं। वो बताते हैं कि इससे उनकी फसल सामान्य फसल की तुलना में ज्यादा तेजी से विकास करती है। गोमूत्र से, गोबर से, जीवामृत से, डिकम्पोजर से ही तैयार की है। अब हमारी तोरी लगभग तैयार है और इसमें केंचुआ इतना है हमारी जमीन में, जो जमीन के नीचे केमिकल से डरता हुआ केंचुआ, 10 फुट नीचे जो केंचुआ था, जीवामृत जिस खेत में हमने डाल दिया, वो केंचुआ एकदम ऊपर आ गया। अब इसमें पानी देते हैं तो हमारे पैर रखने की जगह नहीं रहती, और तोरी में और इसमें जिसमें हम केंचुआ ज़्यादा होता है उसमें पानी की भी कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे से वो होल करता और वाष्पीकरण के जरिए पौधे को वो नमी देता है। हमने कोई केमिकल, कोई स्प्रे नहीं किया है, कोई भी हमारे इसमें बीमारी नहीं है। एकाध कोई कीट आता है तो उसको कोई भी पक्षी या उसको जो है खा लेता है, और प्रकृति ही प्रकृति को नियंत्रण करती है। जैविक रूप से तैयार गन्ने की फसल को सत्यवान मिल में ना ले जाकर अन्य तरीकों से बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। वो कहते हैं कि किसान अपना बाजार खुद तैयार करता है। ये किसान पर निर्भर करता है कि वो अपनी उपज को किस रूप में बेचना चाहता है। सत्यवान ने गन्ने की उपज का बाजार मूल्य किस तरह से निकाला, आइए समझते हैं। मिल में 1.25 लाख रुपए में, जूस वाले को 3 लाख रुपए का, सिरका के लिए 100 रुपए प्रति लीटर के भाव से, फसल अवशेष के लिए पशु आहार के रूप में, गाय के लिए चारे के लिए जो है ऑर्गेनिक मक्का लगाया है। ये मक्का जो है हमने अब 80 दिन का मक्का है, इसमें बूटा तैयार हो चुका है, और इस मक्के को हमने जीवामृत, घन जीवामृत और गोबर गैस की सलरी जो थी वो पानी के साथ में बहा दी थी, उसी से ये सारा हमने मक्का तैयार किया है। इस मक्के को मेरी गायें बड़े चाव से खाती हैं, और इस मक्के से मैं ये कहता हूँ कि 1 से 2 किलो दूध हमारी गायें का बढ़ गया, और नील गायें जो 3-4 किलोमीटर से चल के आती हैं, पास में जो केमिकल का मक्का उसको नहीं खाती, उन्होंने इंसान से ज़्यादा पता है जानवर ने, वो आती हैं इसी मक्के को खाती हैं, क्योंकि उन्होंने पता इसमें मिठास गुणवत्ता अलग से है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है नेचुरल है। तो इस तरह से हम अपने घी को, दूध को महंगे भाव में बेचते हैं, क्योंकि हम जितना भी जो गाय को चारा खिलाते हैं वो भी हमारा ऑर्गेनिक होता है, उसमें हम कोई केमिकल का, ज्वार है, बाजरा है या मक्का है या और भी जो हमारे जई है, जो भी हमारा चारा होता है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। और उस चारे को जब हम अपनी गाय को खिलाते हैं तो जैसा खिलाओगे वही तो नीचे उतारेगी, उसी से हमारे दूध की भी गुणवत्ता बढ़ जाती है, और उसका हम रेट अलग से लेते हैं। अब हमारा दूध 100 रुपये लीटर जाता है और मेरा जो घी है वो 2500 रुपये किलो बिकता है। तो इस तरह से भी किसान अपनी आय को, और हमारा जीरो बजट है, इसमें हमारा ना DAP ना यूरिया ना और कोई केमिकल, कुछ कोई ज़रूरत नहीं, बस खाली गोबर की सलरी से और जीवामृत से ही हमने ये तैयार किया है। आपके सामने इसकी ग्रोथ, इसकी जो है शाइनिंग, चमक एक अलग से ही है। इस तरह किसान अपनी फसल का मूल्यवर्धन कर कई गुना लाभ कमा सकते हैं।
साथ ही जैविक खेती कर कृषि में लागत को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये थे सत्यवान जी की कामयाबी की कहानी। राजधानी दिल्ली में रहकर उन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाई है और अन्य किसानों के बीच में भी अब वो काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं उनकी कामयाबी की कहानी देखकर आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको चलते चलते बता दें कि आप अब ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। बस इसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल के साथ। उम्मीद करते हैं पशुपालन और साथ ही साथ खेती किसानी और इसके अलावा जो कामयाब किसान की कहानी हमने आपको दिखाई है, आप उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे और अपने जीवन में इन बातों को शामिल करेंगे और खेती किसानी को लाभकारी बनाएंगे। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।